So allow others to understand the code. Therefore, comments play an important role. कॉमेंट्स देने के लिए इस तरह से परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे और लीनियर प्रोग्रामिंग लिखेंगे. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड कॉमेंट. इट डज नॉट अफेक्ट आवर प्रोग्राम. इसके बाद हम पढ़ते हैं स्क्रिप्ट. मैटलैब में स्क्रिप्ट होता है. स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं कि इफ वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट. जब लार्ज नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो जाता है, जैसे पांच नंबर ऑफ स्टेटमेंट 5 हो या नंबर ऑफ स्टेटमेंट 10 हो 20 हो, तो उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट एडिटर यूज करते हैं. ये हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पे है. इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू में जाके यहाँ स्क्रिप्ट लिखा है, या कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस करेंगे, इस तरह से एक नया स्क्रिप्ट क्रिएट होगा. और यू कैन राइट योर कोड आल्सो. जैसे कि एक बहुत सिंपल कोड में लिख रहा हूँ, रेडियस इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन एरिया इक्वल्स टू पाई. यहाँ पर जो पाई का जो वैल्यू होता है वो ऑटोमेटिक मैटलैब ले लेते हैं. रेडियस स्क्वायर 2. तो इस तरह से नोटेशन है लिखने के लिए. सेमीकोलन देंगे. अब इस कमांड, ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखे हैं, प्रोग्राम है, इसको रन करेंगे. बिकॉज वी हैव नॉट सेव्ड दिस program, so we have to save this code. इसको हमें save करना पड़ेगा. यहाँ इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, एरिया. अब फिर हम इसको रन करेंगे. We're getting some error. We have to give some other name. So now it is successfully run. Area कोई ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड नेम होगा मैटलैब में, इसीलिए उसको एरर बता रहा था. एरिया 1 जब लिखे और यदि सेमी कोलन को हम हटा देंगे तो कमांड विंडो में उसका रिजल्ट दिखाएगा. फिर से रन किए इस तरह से. अब यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे कमांड विंडो में. तो यहाँ एरिया 1 में 78.5398 इस तरह से रिजल्ट है. यदि हम मैटलैब में सेमी कोलन को हटा देते हैं तो वो कमांड विंडो में वो सारा रिजल्ट दिखाएगा यहाँ पे इस तरह से. हाँ सर, कर दिया सर सारा. हाँ कर दिया. यदि सेमी कोलन को हम हटा देते हैं मैटलैब में, तो जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं स्क्रिप्ट में उसका रिजल्ट जो है कमांड विंडो में शो करेगा. जैसे अभी इसको फिर से रन करते हैं,
तो यहाँ पर क्या हुआ, एरिया लिखा हुआ है, एरिया इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम स्क्रिप्ट प्रोग्राम एरिया। यहाँ रेडियस इक्वल्स टू 5, या रेडियस इक्वल्स टू 5 में सेमी कोलन हटा दिए थे, इसीलिए यहाँ रिजल्ट दिखा रहा है रेडियस इक्वल्स टू 5, एरिया 1 इक्वल्स टू 78.5390। ये छोटे छोटे प्रोग्राम है मैटलैब में, अब लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व करेंगे इस मैटलैब के द्वारा वी विल लर्न। फर्स्ट आई विल शो हाउ टू सॉल्व द सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड मैनुअली। और जैसे जैसे मैनुअली में मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, उसी तरह से कोड लिख के हम लोग मैटलैब में सॉल्व करेंगे। ये सिंप्लेक्स एल्गोरिदम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म एन ऑगमेंटेड सिंप्लेक्स टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टार्टिंग बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले जनरेट करेंगे, उसके बाद उसका एक ऑगमेंटेड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, उसके बाद कैलकुलेट द रिड्यूस्ड कॉस्ट कोएफिशिएंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द नॉन बेसिक वेरिएबल इफ आर जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जे देन द करेंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन ऑप्टिमल एंड स्टॉप अदरवाइज वी मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग पाइवट रो एंड पाइवट कॉलम चूज करते हैं। पाइवट रो एंड पाइवट कॉलम चूज करने के बाद एक जो इंटरसेक्शन होता है पाइवट रो एंड पाइवट कॉलम का, उसको बोलते हैं पाइवट एलिमेंट। और इसको हम लोग पहले आइडेंटिटी बनाते हैं, आइडेंटिटी मतलब 1 करते हैं, जैसे पाइवट एलिमेंट 4 है तो उसको उस पूरे रो को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तब वो पाइवट एलिमेंट है 1 हो जाएगा। और उसके बाद उसके ऊपर और नीचे के जो भी वैल्यू है उसको 0 करते हैं। ये कुछ रूल्स है सिंप्लेक्स एल्गोरिदम के। जैसे कि एक प्रॉब्लम है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज 5x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 18 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 7 x1 comma x2 greater than equals to 0. Okay, are you hearing me? Yes sir. We first transform the problem into standard form. इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो हम कोड लिखा है पूरा इसी के बेस पे लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इनइक्वालिटी साइन है उसको इक्वालिटी में बदलने के लिए कुछ वेरिएबल से हम उसको ऐड कर देंगे उसमें। तो 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 18 2x1 प्लस x2 प्लस x4 इक्वल्स टू 7 नाउ हियर x1 x2 x3 x4 आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मींस ऑल द कांस्टेंट व्हिच आर इन लेस देन इक्वल्स टू शुड बी इक्वल बाय एडिंग सम वेरिएबल। After that we have to construct the augmented matrix. Augmented matrix construct करेंगे, just we have to write a1, a2, a3, a4 and all the coefficient of x1. Here the coefficient of x1 are 3, 2, 3 दो है, so we just write here 3, 2, then this objective function, this minimize minus 5x1 minus 6, this is the objective function. तो ये maximize है, इसको minimize करने के लिए क्या किया, पॉजिटिव है या नेगेटिव कर दिए तो वो जस्ट मिनिमाइज हो गया। तो इसका जो कॉफिशियंट है उसको लास्ट में लिखेंगे -5। कॉस्ट फंक्शन जिसको बोलते हैं, इसको कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। नाउ सी द कॉफिशियंट ऑफ x2 वेरिएबल, x2 वेरिएबल का जो कॉफिशियंट है
वो फोर है यहाँ पे या वन है, और यहाँ पर एक्स टू वेरिएबल का कोफिशियंट है माइनस सिक्स, तो क्या होगा फोर वन माइनस सिक्स, यहाँ लिखे फोर वन माइनस सिक्स। अब एक्स थ्री है, एक्स थ्री यहाँ पे नहीं है, सेकेंड कॉन्स्टेंट में एक्स थ्री नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा, तो ये क्या होगा वन जीरो, और यहाँ भी एक्स थ्री नहीं है, तो ये होगा वन जीरो जीरो, सो ये रिटर्न वन जीरो जीरो। उसी तरह से एक्स फोर, फर्स्ट ये इक्वेशन में एक्स फोर नहीं है, तो इसीलिए ये वैल्यू यहाँ इसका कोफिशिएंट वैल्यू जीरो होगा, इन दिस द कोफिशिएंट इन दिस सेकेंड इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फोर इज वन, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स फोर है वो जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो जीरो वन, सॉरी जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो। और ये जो राइट हैंड साइड है 18 7, ये हम लिखेंगे 18 7, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर जो ये वैल्यू जीरो रहेगा यहाँ पे, मतलब इसका कॉस्ट हमको निकालना है। सो हियर वी सी दैट द बेसिस मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू ए थ्री ए फोर, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसको हम लोग बेसिस मैट्रिक्स बोलते हैं, तो बी इक्वल्स टू ए थ्री ए फोर हो गया, देयर फोर बेसिक वेक्टर इज एक्स बी इक्वल्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, तो ये जो ए थ्री ए फोर है उसी को हम लोग एक्स थ्री एक्स फोर बोलेंगे जो वेरिएबल है, और ये सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, बी एक्स बी इक्वल्स टू बी लिखते हैं, तो एक्स बी हमको पता है ये एक्स थ्री एक्स फोर है, और जो कैपिटल बी है क्या है बेसिस मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये बी जो है राइट हैंड साइड का वैल्यू 18 7, तो ये जो बी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इधर आएगा इन्वर्स हो जाएगा, कोई भी इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसके साथ किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम वेक्टर जनरेट होता है, तो ये हो गया एक्स बी इक्वल्स टू 18 7। देयरफॉर द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल्स टू, ये जो रहेगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर लिखेंगे, तो यहाँ एक्स वन और एक्स टू हम लोग को पता नहीं है तो वो जीरो जीरो लिख दिए, एक्स थ्री है 18 और एक्स फोर है ये 7, तो ये जीरो जीरो 18 7 हुआ। अब इसके बाद सिंप्लेक्स एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि सब ये जो पहले लास्ट रो है इसको इसको रिड्यूस्ड कॉस्ट कोफिशिएंट बोलते हैं, इसमें चेक करेंगे कि जो सबसे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है लास्ट रो में, तो इस लास्ट रो में हम देख रहे हैं कि माइनस फाइव माइनस सिक्स है, इसमें मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स जो है इसको बोलेंगे पाइवट कॉलम बोलेंगे, और तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जो हो गया जिसको रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं क्यू इक्वल्स टू टू, ये जो है पाइवट कॉलम है, और अब चेक करेंगे कि पाइवट रो यहाँ पर कौन सा है, तो पाइवट रो के लिए क्या फॉर्मूला है, पी इक्वल्स पी के द्वारा हम पाइवट रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी इक्वल्स टू आर्ग मीन लेंगे, और इसमें क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है बी का 18 और जो पाइवट एलिमेंट ये है उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 18/4 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 7/1, और इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम पाइवट रो बोलेंगे, तो 18/4 और 7/1 में ये फर्स्ट रो जो है वो मिनिमम है, तो ये पाइवट रो हो गया, तो ये पी इक्वल्स टू वन एंड क्यू इक्वल्स टू टू, तो हमें पाइवट रो एंड पाइवट एलिमेंट मिल गया। अब इसका इंटरसेक्शन ये हो रहा है, ये एलिमेंट जनरेट हो रहा है फोर, तो फोर को हम लोग वन करना है, फोर को वन कैसे करेंगे, इसको जस्ट आर वन बाई फोर डिवाइड कर देंगे, फोर को ये आर वन को फोर से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से 3/4 वन, 1/4 जीरो, 9/2 हुआ। अब ये पाइवोट एलिमेंट जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, अब इसके नीचे के जो वैल्यू है इसको हमें जीरो जीरो करना है, तो रो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो आर टू माइनस यदि आर वन करेंगे, यह मैं लिखा हूँ आर टू माइनस आर वन, उससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी मैनिपुलेट होंगे, तो ये 5/4 जीरो वन 5/2 हुआ। उसी तरह से इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए वैसे लिखेंगे आर थ्री प्लस सिक्स आर वन, इसमें सिक्स पाइवोट एलिमेंट को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यदि ऐड कर देते हैं
तो यहाँ वैल्यू जीरो हो जाएगा, और इस तरह से उसका जो भी कॉरस्पॉन्डिंग रो के वैल्यू है वो सारा अपडेट होंगे यहाँ पे। इसके करने के बाद 100 ये आ गया। अब इसके बाद फिर से हम चेक करेंगे कि कोई नेगेटिव एलिमेंट लास्ट रो में है कि नहीं। अभी नेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पे, -1/2 नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये फिर से ये पहला कॉलम जो है वो पाइवोट कॉलम हो जाएगा, और वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे पाइवोट रो चेक करने के लिए। तो 9/2/3/4 लिखेंगे, और इसके लिए लिखेंगे 5/2/5/4। तो इसमें जब पाइवोट रो में हम क्या करेंगे कि सेकेंड रो जो है वो हमारा पाइवोट रो है, क्योंकि सेकेंड रो का जो आर्गमेंट वैल्यू है वो स्मॉलर है। तो यहाँ पाइवोट कॉलम पहला हो गया, पहला रो ये पाइवोट कॉलम हुआ, पहला कॉलम एंड पाइवोट रो हुआ दूसरा रो। उसका इंटरसेक्शन जो पाइवोट एलिमेंट हो रहा है वो 5/4 है, इसको हमें आइडेंटिटी करना है। तो 5/4 को यदि हम 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 1 हुआ। इसके बाद इसके ऊपर और नीचे वाले वैल्यू को हमें 0 करना है, तो वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे R1-3/4 R2, और यहाँ के लिए करेंगे R3+1/2 R2, और इस तरह से ये ऊपर नीचे का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। अभी हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हुआ, इसको एक्सचेंज कर दिए क्योंकि यहाँ जैसे 0110 है, यदि इसको एक्सचेंज कर देंगे तो 1001 हो जाएगा, तो इसीलिए R1 इज एक्सचेंजिंग विथ R2। अब हम फिर से चेक करेंगे यहाँ पे कि लास्ट रो में कोई मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं। तो वी सी दैट नॉट ऑल एंट्रीज ऑफ सी ट्रांसपोज आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गए। सो आवर बेसिस मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू, अब जो बेसिस मैट्रिक्स हो गया A1 A2 हो गया, और एक्स बी इक्वल्स टू हो गया X1 X2, और एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 2 3 0 0। तो द करेंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ये हमारा जो है ऑप्टिमल वैल्यू आया X1 इक्वल्स टू 2 एंड X2 इक्वल्स टू 3। अब ये वैल्यू जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू 28 आएगा। तो ये जो है मैन्युअली इसको हमने सॉल्व किया। अब इसमें हम क्या करने जाएंगे मैटलैब में, मैटलैब में मुझे क्या करना है कि जैसे कि ये सिंप्लेक्स मेथड है ऑलरेडी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मैटलैब में हमें ये लिखना है मैट्रिक्स के रूप में, इसको लिखना है सारी चीज़ों को, A1 A2 A3 A4 B, ये सब हमको नहीं लिखेंगे, खाली इसके एलिमेंट लिखेंगे 3 4 1 0 18 2 1 0 1 7 -5 -6 0 0, ये सारे एलिमेंट को लिखेंगे। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसमें मैंने कहा कि हमें पाइवोट कॉलम चूज करना है, पाइवोट रो चूज करना है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है लास्ट रो में, उसका हमने प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, हाउ टू राइट द प्रोग्राम टू फाइंड मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इन द लास्ट रो टू गेट द पाइवोट कॉलम। आफ्टर दैट वी हैव टू चूज द पाइवोट रो, सो अगेन वी हैव टू राइट द मैटलैब कोड टू फाइंड द पाइवोट रो। सो वी हैव टू राइट टू कोड, फॉर वन कोड फॉर फाइंडिंग द पाइवोट कॉलम एंड सेकेंड कोड फॉर फाइंडिंग द पाइवोट रो। आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म सम रो एलिमिनेशन ऑपरेशन। तो जैसे कि यहाँ लिखे हैं R2-R1, सो बहुत सिंपल कोड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मैटलैब में, जैसे R2-R1 है वैसे वही कोड में भी लिख देंगे R2-R1, तो जो भी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से R3+6R1 जैसे लिखे हैं उसी तरह से मैटलैब में कोड लिखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऐड हो जाएगा, तो उसका भी कोड लिखेंगे। नाउ आई विल शो यू, फर्स्ट वी हैव टू मूव इन द कमांड विंडो एंड वी हैव टू
I will show you. See this example 5.6, solve the linear programming problem using the simplex method. Ek simple linear programming problem hai, maximize 7x1 plus 6x2 subject to 2x1 plus x2 less than equals to 3, x1 plus 4x2 less than equals to 4, where x1 and x2 are greater than equals to 0. So again, we have to convert this linear programming problem into standard form. So for this we have to take x3 and x4 variable for two constant respectively. तो इस तरह से हुआ और जो maximization objective function है उसको minimize करेंगे. Minimize करने के लिए negative symbol use करेंगे. जैसे ये 7x1 plus 6x2 है तो ये -7x1 -6x2 हो गया. अब वी कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर द प्रॉब्लम. इस तरह से लिखे हैं 2 1 1 0 3, ये फर्स्ट रो है, 1 4 0 1 4, अरे -6 -6 0 0 0. तो इसी तरह से अब मैटलैब में हम लिखेंगे इसको मैटलैब में मैं लिखूंगा. हम वी यूज ए कैपिटल ए एज ए वेरिएबल टू डिनोट दिस मैट्रिक्स. मैट्रिक्स लिखने के लिए मैंने बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और रो लिखने के बाद सेकेंड रो में जाने के लिए सेमी कॉलन यूज करेंगे. पहले लिखेंगे 2 space 1 space 1 0 3 space 3, अब सेमी कॉलन देंगे 1 4 0 1 4, सेमी कॉलन, देन -7 -6 0 0 0. ये मैं बस इसको देख के लिखा हूँ. इसमें जो है ये जो टेबल है, वी कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर द प्रॉब्लम, इसी को देख के मैं लिखा 2 1 1 0 3 सेमी कॉलन, 1 4 0 1 4 सेमी कॉलन, देन लास्ट रो -7 -6 0 0 0. We have written like this. Now we press enter button. So we get this augmented matrix table. इसको लिखने के बाद पाइवोट कॉलम हमें पता करना है कि इसका पाइवोट कॉलम क्या है. तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है टू वेरिएबल का, जिसमें हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि -7 इसका जो है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है -7. तो ये जो पहला रो होगा वो
पाइवट कॉलम होगा, लेकिन यदि हमारे पास वैसा प्रॉब्लम हो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल हो, तब उस समय हाथ से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट टाइम इट विल बी डिफिकल्ट एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देयर मे बी सम एरर टू गेट द रिजल्ट ऑल्सो, बट इफ यू यूज दिस मैटलैब सॉफ्टवेयर देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल और लैक ऑफ वेरिएबल्स ऑल्सो, सो देयरफॉर वी आर लर्निंग दिस मैटलैब सॉफ्टवेयर। इसके बाद पाइवट कॉलम चूज करने के लिए इस तरह से मैं ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हूँ, ये पाइवट कॉलम है, इसमें हम फंक्शन बनाएंगे, वी हैव टू क्रिएट फंक्शन, यू नो द फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ सम सीक्वेंस स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर दिस इज द सिंटेक्स टू राइट द फंक्शन, मैटलैब में हम फंक्शन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है क्यू कॉमा ए, यहाँ जो क्यू है ये क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाइवट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू पाइवट कॉलम, एंड ये जो है ये मैट्रिक्स है जो दैट इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टेबल, और ये फंक्शन का नाम जो है पाइवट कॉलम लिखा हूँ पाइवट कॉलम, फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है ए, ये वही है मैट्रिक्स टेबल है ए कॉमा बी, यहाँ मैंने कमेंट में लिखा है पाइवट कॉलम क्यू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड बी इज द नॉन बेसिक वेरिएबल, कितने नॉन बेसिक वेरिएबल इसमें यूज हो रहे हैं उसका वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बहुत ही सिंपल कोड है, यहाँ देखिए पाइवट कॉलम चूज करने के लिए फिर ये लिखिए एम कॉमा, ये टिल्ड ऑपरेटर यूज़ किए हैं, टिल्ड ऑपरेटर यहाँ यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि मुझे कॉलम का वैल्यू में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे उसका वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैटलैब कोड में इफ़ यू डू नॉट वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, सो इन प्लेस ऑफ दैट वेरिएबल यू जस्ट पुट द टिल्ड ऑपरेटर देन इक्वल्स टू साइज, साइज इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, साइज इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन एंड इट टेल्स दैट